जय फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही जोर शोरों से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आज लाए हैं क्लास 12th रसायन विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आप सभी का अति लघु उत्तरी प्रश्न कराएंगे। टोटल दोस्तों आप सबको हम बता दें, यहाँ पे 22 नंबर आपको मिलेगा, 100% दोस्तों 22 नंबर। इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो जो दोस्तों आपके क्वेश्चन हर साल बनता है पेपर में, वही दोस्तों हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे, अच्छे समझाएंगे। मित्र बस पूरा वीडियो वॉच करिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, जिससे दोस्तों आप सबका बढ़िया से तैयार हो सके क्वेश्चन और आप एग्जाम में अच्छे से अपना 22 मार्क्स का मार्क्स गेन कर पाए। तो दोस्तों अच्छे से देखिएगा, पूरा अच्छे से समझिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पहला देखते हैं। शुद्ध जल की मोलरता होती है, मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध जल की मोलरता कितना होती है आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसमें दोस्तों कितना होता है, 55.56 होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में, याद रखिएगा, प्रति एकक कोष्ठिका परमाणुओं की कुल संख्या 2 होती है। ये दोस्तों आप सबका क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसा कि आप सबको बता दूं, दूसरा ही ऑप्शन आपका सही हो जाने वाला है। दोस्तों कौन क्या है, अंतःकेंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, ये दोस्तों आप सबका आंसर बन जाने वाला है। अब दोस्तों हम बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, ये बताना है। तो इसमें दोस्तों क्या होगा, पृष्ठ तनाव जो होगा दोस्तों, सेकेंड थर्ड ऑप्शन, ये दोस्तों आप सबका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः दिया है 0.68 वोल्ट और दोस्तों यहां पे दिया है 0.50V और दोस्तों यहां पे 2.5V दिया है, ठीक है। इसमें कह रहा है उनकी अपचयन शक्ति का क्रम है, ये बताना है, उनका क्रम बताना है दोस्तों। तो बताइएगा कौन सा होगा, A > B > C। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों क्या, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, किस पर नहीं करता यह आपको बताना है। तो दाब पर जो है दोस्तों नहीं करता, यह आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया में अर्धभाग के पूर्ण होने में लगभग समय t½, ये दोस्तों बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों आप सबका कौन सा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, उसकी प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, किस पे नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों इसका पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम पे दे देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिए हैं, जाके आप सब देख लीजिएगा। हर एक वीडियो का दोस्तों वहां पे नोट्स और दोस्तों बिल्कुल आप सबको पीडीएफ मिल जाता है, आराम से जाके वहां से आप सब अच्छे से पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाके आराम से आप लोग वहां से, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, आप भी वहां से दोस्तों डाउनलोड करके पढ़िए। अब दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, आर्सेनियस, याद रखिएगा, आर्सेनियस सल्फाइड के क्लोराइडी विलयन के स्कंदन में सबसे प्रभावी विलयन है कौन सा है दोस्तों, बताइएगा। इसमें कई विलयन दिया गया है, जिसमें दोस्तों आप सबका BaCl2 सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिएगा आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, धर्म धातु कर्म प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा कालक प्रयुक्त होता है, इसमें यह दोस्तों बताना है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका तीसरा नंबर, सोडियम क्लोराइड जो होता है दोस्तों वह क्या करता है, वह दोस्तों आप सबका अशुद्धियां दूर करता है, अशुद्धियों को दूर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों नौवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, कौन सा लैंथेनाइड तत्व है यह आपको बताना होगा। तो दोस्तों जो सी है वह दोस्तों क्या है, लैंथेनाइड तत्व है। अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दसवां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दसवां नंबर क्या है, CH13 ऑक्सीकारक पर देता है, ऑक्सीकरण पर देता है दोस्तों, यह बताना है। दोस्तों क्या देता है, फास्जीन देता है, क्या देता है, फास्जीन देता है, ऑक्सीकरण में दोस्तों यह फास्जीन देता है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई को क्षार के साथ गर्म करने पर दोस्तों कौन सा आयोडोफॉर्म नहीं बनता है, बताइएगा। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोस्तों आप सबका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, एथेनॉल, ठीक है, ये दोस्तों आप सबका।
थोड़ा ऑप्शन आगे पीछे हो गया दोस्तों, इथेनॉल आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 12 नंबर है एमिनो का जलीय विलयन होता है, क्या होता है दोस्तों आपसे कमेंट बॉक्स में जरा कमेंट करके मुझे बताइएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा तो आप सब देखेंगे उभयधर्मी होता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तीसरा नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, क्या है विटामिन डी का रासायनिक नाम, बहुत ही एग्जाम में आता है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्या होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम, तो आप दोस्तों बताएंगे कैल्सिफेरोल होता है, क्या होता है कैल्सिफेरोल होता है विटामिन डी का रासायनिक नाम। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 14वां नंबर, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है, तो आज सब बताएंगे यूरेसिल जो है वह क्षारक नहीं होता है डीएनए में। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है, तो बताना है दोस्तों, तो इसमें बताएंगे क्या नाइलॉन 66, ये दोस्तों आप सबका क्या है, ये दोस्तों पॉलीएमाइड है, ठीक है, ये दोस्तों आप सबका है, ठीक है, इसमें कौन सा पूछा था ये दोस्तों आपको बताना होगा, नाइलॉन 66, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका 6 नंबर का 60 क्वेश्चन, यानी लघु उत्तरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों हम 60 क्वेश्चन बताएंगे जो दोस्तों आप सबका अति लघु उत्तरी प्रश्न होता है, दो दो मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है दोस्तों, टोटल आपको बता दें ये दोस्तों 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें दोस्तों हम आपको यहां बताएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है, अच्छे से पूरा देख लीजिएगा। 16 नंबर आपको यहां से मिलने वाला है, पूरे किताब से महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरी प्रश्न मित्र, पूरा देखिएगा अच्छे से समझ लीजिएगा, दो दो मार्क्स के ईच, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आप सबके दो दो मार्क्स के होने वाले हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन कौन क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस क्या है, ये दोस्तों आप सबका क्वेश्चन है, आंसर देखिएगा, ये ठोस जिसमें घटक कणों की दीर्घ परास व्यवस्था होती है, यानी व्यवस्थित होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए दोस्तों चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये दोस्तों क्या होता है, ये दोस्तों आ सके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर सेकंड, देखिएगा क्या है, ये दोस्तों है समपराशरी विलयन किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे विलयन जिसके पराशरण दाब समान ताप पर समान हो पराशरी विलयन कहलाता है, दो समपराशरी विलयनों को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक करने पर पराशरण नहीं बंद होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड नंबर, प्राथमिक सेल क्या है मित्र, प्राथमिक सेल क्या होता है यह आपको बताना होता है, ठीक है। प्राथमिक सेल वे हैं जिनके डिजाइन ऐसी होती है कि उन्हें प्रयोग करने के बाद पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। देखिएगा जैसे शुष्क सेल है ना, या दोस्तों आप सब देख लीजिएगा दीवार, जो दीवार घड़ी होता है उसमें जो सेल लगता है दोस्तों क्या होता है, प्राथमिक सेल होता है, उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते हो, और दोस्तों धनात्मक होता है, याद रखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 नंबर, ये दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलराउस का नियम क्या है, कोलराउस के नियम को समझाइए, बहुत ही बेहतरीन नियम है। देखिए इसका आंसर क्या होगा मित्र, इसका आंसर आप सबका हो जाएगा इस नियम के अनुसार, देखिएगा किसी विद्युत अपघट की अनंत, याद रखिएगा अनंत तंत्रता पर चालकता इससे धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है, यदि प्रत्येक चालक पद को विद्युत अपघट सूत्रों में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए तो दोस्तों यही आपका क्या होता है, यही दोस्तों आप सबका, जैसा कि आप सबका क्वेश्चन है कोलराउस के नियम, यही दोस्तों आप सबका कोलराउस का नियम कहलाता है, ठीक है। अब हम दोस्तों बताएंगे फैराडे, याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है यह दोस्तों आप सबका पहला, ये दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, क्या है दोस्तों फैराडे का विद्युत अपघट का द्वितीय नियम क्या है, देखिएगा उत्तर इस नियम के अनुसार, जब द्वितीय नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है, जब श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान मात्रा में विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त यानी एकत्रित पदार्थों के द्रव्यमान उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होता है, यानी दोस्तों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब दोस्तों मैं आप बताएंगे नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की संभावना पर मूल कारक क्या है, ये आपको बताना है, तो देखिएगा टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं की प्रक्रिया
क्या होता है दोस्तों, सक्रियण ऊर्जा देता है। जैसे कि दोस्तों आप देखिएगा टक्कर में लेने वाले अणुओं की सक्रियण ऊर्जा, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया होने की संभावना का मूल कारक यही होता है कि क्या होता है, सक्रियण ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये दोस्तों सातवां नंबर, स्वर संख्या या स्वरांक की परिभाषा, ये दोस्तों आप सबके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्या है, रस्सी कोलाइडी की शक्ति को स्वर संख्या यानी गोल्ड नंबर से व्यक्त किया जाता है। स्वर संख्या की परिभाषा निम्न प्रकार से दी जाती है, कैसे ये देखिएगा, यहाँ पे क्या है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर संख्या उसके मिलीग्राम में वही भार है जो गोल्ड साल के 10 मिमी में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिली डालने पर, याद रखिएगा, साल के लाल रंग से नीले रंग में परिवर्तित होने को रोकने के लिए पर्याप्त क्या चाहिए, पर्याप्त होता है। ठीक है, उसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है, स्वर्ण संख्या या रच्ची साल की शक्ति के नाम से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, प्रतीत करते हैं, बताते हैं ना। अब देखिएगा दोस्तों, स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी साल स्कंदन शक्ति उतनी ही क्या होगी, कम होगी। स्वर्ण संख्या होने पर साल की स्कंदन शक्ति क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है, नैनो पदार्थ किसे कहते हैं, नैनो पदार्थ किसे कहते हैं। देखिएगा आंसर क्या होगा, ऐसे पदार्थ जिसका आकार 1 से 100 नैनो यानी 1 से 100 नैनो अर्थात 1 से 100 नैनो पैमाने के अंतर्गत होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं, उसे ही नैनो पदार्थ कहते हैं। अब हम बात करेंगे नौवां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा नौवां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कापर के दो प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, कापर के, अब देखिएगा कापर के दो प्रमुख अयस्क कौन से हैं दोस्तों, क्यूप्राइट है Cu2O और दोस्तों कापर पाइराइट, ये दोस्तों CuFeS2, ये दोस्तों आप सबका आंसर हो जाने वाला है। अब दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर 10, ये दोस्तों क्या है, उत्कृष्ट गैस अभिक्रिया क्यों होती है, ये दोस्तों आप उत्कृष्ट गैसें अभिक्रिय क्यों होती हैं, उसके द्वारा बनाए गए दो यौगिकों के सूत्र लिखिए। ठीक है, या दोस्तों उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण भी आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, उत्कृष्ट या अक्रिय गैस होने के सभी कक्ष पूर्णतया भरे होने के कारण ये संतृप्त होती हैं। ठीक है, इस कारण रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं। इन तत्वों के आयनन विभव अस्थायी इलेक्ट्रॉन कक्ष होने के कारण उच्च होते हैं, अतः ये रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। इनके द्वारा बनाए गए यौगिक क्रमशः WHe2 और दोस्तों AgArgH20 है। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, लैंथेनाइट तत्वों के दो उदाहरण दीजिए, उसके दो प्रमुख उपयोग भी लिखिए। अब दोस्तों देखिएगा इसका आंसर क्या होगा, एक दोस्तों उदाहरण की बात किया है तो उसमें आप सब देख सकते हैं कौन कौन से, ये दोस्तों सीरियम और यूरोपियन और दोस्तों टर्बियन, ये दोस्तों आपको सीरियम तथा ये ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है, जैसे मेंटल बनाने, गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने। ठीक है, जो दोस्तों कांच होता है पॉलिश करने के ये दोस्तों सीरिया CeC2 ये दोस्तों का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आपका 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, लैंथेनाइड तत्वों के दो उदाहरण दीजिए और कह रहा है इसके दो प्रमुख उपयोग भी आप बताइए। दोस्तों इसमें देखिएगा आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीरियम CE, यूरोपियन दोस्तों EU और दोस्तों टर्बियम TB का उपयोग। अब पहला दोस्तों देखिएगा सीरियम CE ताप तथा पराबैंगनी प्रकाश दोनों का अवशोषण करता है, अतः इसका उपयोग चश्मे बनाने में किया जाता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था। अब दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट दोस्तों आपसे कहा है क्या, अब दोस्तों यहां पे नेक्स्ट सेकेंड नंबर, पेट्रोलियम पदार्थों के भंजन के लिए सीरियम फास्फेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा थर्ड नंबर, यहाँ गैस मेंटल बनाने और ग्लास पॉलिश करने में दोस्तों सीरिया CeC2 का उपयोग किया जाता है।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या लिगेंड क्या है, दो उदाहरण इसके देखिएगा क्या होता है दोस्तों। वह आणविक अथवा, याद रखिएगा दोस्तों, वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु तथा आयन में आयन से अस्थाई रूप से जुड़े होते हैं दोस्तों, लिगेंड कहलाते हैं। यानी दोस्तों आप सब यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो कि वह आणविक अथवा आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन से अस्थाई रूप से जुड़े होते हैं, वही क्या होते हैं दोस्तों, लिगेंड कहलाती हैं। तो आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से दोस्तों आप सब इसको देखे होंगे तो दोस्तों मजा भी बहुत आया होगा। दोस्तों यदि मजा आया तो एक बड़ा सा लाइक दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब करिएगा हर एक वीडियो इस तरह का पाने के लिए। और दोस्तों आप सबका बिल्कुल एक एक सब्जेक्ट है दोस्तों, बिल्कुल एक एक टॉपिक पर हम आपको बिल्कुल एक एक दोस्तों लेसन पर हम काम करना शुरू कर दिए हैं। अब दोस्तों बस 10 दिन में दोस्तों सारे आप सबके वीडियो अपलोड हो जाएंगे अच्छे से, आप सबको प्ले लिस्ट भी अब मिल जाएगा दोस्तों, हर एक दिन का हर मिलेगा दोस्तों आप सबको, जाके आप सब आराम से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको लिंक भी महत्वपूर्ण वीडियो का मिल जाएगा, आज से वो भी दोस्तों आप सब पढ़ सकते हो। इसके नोट्स लिए दोस्तों आप सब अपने टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, एग्जाम नोट को लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आराम से ज्वाइन करके दोस्तों वहां से आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना दोस्तों बिल्कुल वहां से अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर लिया करिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।